शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या हुआ बिंदास? बेटे, तू भगवान के पास नहीं जाएगा? अरे माँ, भगवान के पास तो मरने के बाद जाते हैं। अभी तो मैं जिंदा हूँ। सुधर जाओ, माँ नरक में जाने को नहीं कह रही है, यहाँ मंदिर में भगवान के पास जाने को कह रही है। क्या दिया तेरे भगवान ने मेरे को? दिया क्या मेरे को? तेरे को तो पुलिस की नौकरी दी, मेरे को क्या दिया? जब जब मैंने कुछ सोचा पूरा उल्टा हो गया। श्रीदेवी की मांग भरने की सोची, बोनी कपूर ने पूरा राशन भर दिया। रेखा पे नजर पड़ी, वो तो सब पे टूट पड़ी। रवीना पे नजर पड़ी, वो तो बोले बिना निकल पड़ी। क्या दिया? क्या कहते तेरे इस भगवान ने मेरे को? ये दीवार का शर्ट, ये जींस और ये बनले तन बीड़ी। உங்க படத்துல என்ன முடிச்சுக்கிட்டு லைவ் இந்த உலகத்துல ஒண்ணு கிடையாது போ சாத்தியத்திர பகவான் ஆயே சுதரேகா நீ சலோ ஏ போட் நிகால் போட் நிகால் நீ தோ கம்பூட் படேகி தேரே சர் பே சல் சலோ மா படே பக்த் பனே ஹுவே ले बेटा प्रसाद ले। प्रसाद? मिठाई समझ के खा लो भाई। क्या रिश्वत दे रहा है क्या? भाई ऐसा मत बोलो, ये गणपति भगवान का प्रसाद है। अपन किसी गणपति भगवान को नहीं जानते, अपन एक ही गणपति को जानते, वो है डायरेक्टर गणपति बोहरा। और जो प्रसाद की बात करी ना माँ, टीएली प्रसाद की पिक्चर रिलीज हो गई है, हाउसफुल जा रही है, अपन चले। चल माँ दुर्गे, चले मुर्गे। भगवान, एसीपी अर्जुन ट्रांसफर होकर वापस आ गया है। तुम लोग पक्की गली पकड़ो, निकलो यहाँ से। क्या बिंदास, अर्जुन सचमुच आ गया? मैं अर्जुन पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एसीपी अर्जुन की बात कर रहा हूँ। अरे एसीपी अर्जुन के सामने तुम्हारी अर्जुन फिल्म फ्लॉप है। ये तो ऐसे खुश हो रही जैसे दिल तो पागल पागल हो गई। बिंदास बिंदास, तुम्हारे पास टिकट है? तेरे को क्या हो गया यार, क्या हो गया? अरे ब्लैक वाली तू है, मेरे से टिकट पूछ रही है, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई तू? हाँ, हाँ, मैं सचमुच पागल हो गई हूँ। अरे क्या पागल हो गई, इलाज करा, मैं तेरे को बोलता हूँ, धंधे पे मेरे को मजाक नहीं कर रहा। पागल बोले सेठ, अपन को यहाँ क्यों मिला है? बिंदास वर्मा, इस वक्त टिकट ब्लैक करने में तुम नंबर वन हो। बांद्रा से बोरीवली तक सारे थिएटर मेरे हैं, और मैं ये चाहता हूं कि तुम ये काम मेरे लिए करो। मगर हिस्सा 50-50 अगर मुझे मंजूर ना हो तो। मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे को मालूम था मजाक कर रहे। तुम्हारा एडवांस। अरे तुमने फेंके हुए पैसे उठा लिए? ये पैसे नहीं सेठ जी, रुपए हैं, रुपए हैं। अगर अपन ने उठा देना तो आप उठा लेते। लेकिन बचपन में तो तुम फेंके हुए पैसे नहीं उठाते थे। बचपन में अपन बेवकूफ थे, पैसे की कदर नहीं जानता था मैं। लेकिन आज गटर में पैसा गिर जाए ना, चिपक लूंगा मैं। खैर आज से अपन काम शुरू कर देते हैं। रोज शाम को नल बाजार पर रशीद भाई कंदील वाले के पास आपका हिस्सा पहुंच जाएगा। गुड बॉय, थैंक यू। मिस्टर बिंदास, मुझे बजे तो नहीं मालूम, मगर ऐसा लगता है आपको धंधा करना नहीं आता, क्योंकि इस छोटे से थिएटर को जिसमें सिर्फ 200 सीट हैं, बालकनी भी नहीं है, आपने इतने महंगे दामों में खरीद कर सरासर बेवकूफी की है। क्योंकि इतने दामों में तो गुजरात में दो थिएटर मिल जाते।
माफ कीजिए, आपको बिजनेस करना नहीं आता। चाचा, बिजनेस करना आपको नहीं आता। अगर आप इस थिएटर के 25-30 लाख और मांगते ना, तो ये बिंदास आपको उठा के दे डालता। ऐसी कौन सी बात है इस थिएटर में? अरे ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी यादें हैं। चाचा, जब ये थिएटर नहीं बनी थी ना, तो इसके सामने मेरी माँ बटाटे वड़े पाव बेचती थी। बटाटे वड़े पाव, लाल चटनी, लाल चटनी। और आज मेरी माँ की 25वीं विधवा सालगिरह है, और ये मेरी माँ को मैं तोहफे में देना चाहता हूँ। और आज से इस थिएटर का नाम होएगा सावित्री बाई बटाटे वड़े वाली सिनेमा। भैया मुझे माफ करो, मैं MF हुसैन नहीं हूँ। नहीं है? हाँ। वो क्या आप चप्पल पहने हुए ना, वो चप्पल पहनते नहीं है। अच्छा। ये बाल बाल करा लीजिए ना आप। माधुरी के फैन लोग आप पे बहुत भड़के हुए। हाँ। को मालूम है ना आप उन पिक्चर के ब्लैक किए हुए। हाँ। तिरुपति जाइए आप। अच्छा, चलो अच्छा। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। माँ माँ, आपकी 25वीं विधवा सालगिरह पर ये मेरी तरफ से तोहफा, SDBWC। आप लोग समझे नहीं, इसका मतलब है सावित्री देवी बटाटे वड़े वाली सिनेमा माँ, मेरी तरफ से। क्या बात है माँ, आप दोनों परेशान लग रहे हैं। भाई मुझे एक लिस्ट मिली है, इसमें तमाम ब्लैक मार्केटियर के नाम हैं, एक नाम तुम्हारा भी है। इस पेपर पर साइन कर दो। क्या लिखा है इसमें? तुम्हारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा। दस, तेरे को याद है हम लोग बचपन से कैसे पले बड़े हैं? तुम साइन करो भाई। दस, याद करो बचपन, माँ अपने को गटर के किनारे अपनी गोद में सुलाती थी। एक बार माँ को नींद की झपकी आई और हम दोनों को लेकर गटर में गिर गई थी। सूंघो अपने आप को, बचपन की लगी हुई गंदगी की बदबू आज तक आएगी। तुम साइन करते हो या नहीं? हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन सबसे पहले जाओ साथ में साइन लेकर आओ जिसे मेरे हाथ पे लिख गया था हरामी ब्लैक वाला। जाओ साथ में साइन लेकर आओ जिसे रजिया सुल्तान फिल्म बना के मेरे हजारों हजारों रुपए का सत्यानाश कर दिए थे। जाओ साथ में साइन लेकर आओ जिसे रूप की रानी चोरों का राजा बनाकर मुझे कंगाल कर दिया था। जाओ साथ में साइन लेकर आओ जिसने पिछले महीने पिछले साल एक महीने के लिए थिएटर को हड़ताल कर दिया था। उसके बाद तुम कहो जिस कागज पर, जिस पेन से, बॉल पेन से, निप पेन से, पेंसिल से, मैं साइन करने को तैयार हूं। तांजी क्या बात कर रहे हैं, तुझे मालूम है मैं अंगूठे छापूं? दूसरों की गलतियां गिनाकर तुम पुलिस के डिमांड को ठुकरा रहे हो, और तुम्हारी ये हरकत हमारे बीच में दीवार बन गई है। और जब तक ये दीवार हम दोनों के बीच में है, हम दोनों एक साथ इस छत के नीचे नहीं रह सकते। चलो माँ। तेरे को जाना है, जा, माँ नहीं जाएगी। माँ जाएगी। माँ, कौन था वो तेरा जिसने तेरे हाथ पे हरामी ब्लैक वाला लिख दिया? कौन था वो तेरा जिसने रजिया सुल्तान जैसी फिल्म बनाई? अरे कौन था वो तेरा जिसने रूप की रानी और चोरों का राजा जैसी फिल्म बनाई? लेकिन तू तो मेरा राजा बेटा था रे, फिर तूने ऐसी घटिया और डिब्बा पिक्चरों की टिकट क्यों खरीदी? चलो माँ। चलो बेटा। माँ माँ, मैंने बचपन से टिकट ब्लैक करके इतना बड़ा थिएटर तुझे तोहफा देने के लिए आया था, और तू आज ये व्हाइट साड़ी क्या पहन ली, इसके साथ जाकर व्हाइट व्हाइट हो गई। माँ, SDBWC। बिंदा एक बात कहूँ? कहो। मैं ना तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? अरे तो जल्दी करो यार, मेरे थिएटर बढ़ गए हैं, मजदूर बढ़ गए हैं, और मेरे काम में हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपने बच्चे को ब्लैक मार्केटर कभी नहीं बनने दूंगी। मेरा बच्चा है, चाहे उसको मैं ब्लैक मार्केटर बनाऊं या व्हाइट मार्केटर, उसमें तुझको क्या है रे, तू अपना काम कर रे। हाँ?
आने में जरा देर हो गई, टायर पंचर हो गया था। साइकिल वाले अक्सर देर से ही पहुंचते हैं। भाई मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं एक भाई से बात कर रहा हूँ ना, पुलिस अफसर से। जब एक भाई बोलेगा भाई सुनेगा, जब एक ब्लैक मार्केटियर बोलेगा पुलिस वाला सुनेगा। शाने याद है तुझे, इसी गटर से हमारा बचपन शुरू हुआ है, हमारी जिंदगी यहां से शुरू हुई है। कहां है तू आज? आज तू कहां है? कहां मैं हूं? क्या तेरे पास? दो जोड़ी वर्दी, पुलिस क्वार्टर्स, 1400 रुपए की नौकरी और ये पंचर साइकिल। देख मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, दुनिया भर के थिएटर हैं और ब्लैक मार्केट वर्कर्स है मेरे पास। क्या है तेरे पास? मेरे पास माँ है। माँ? मम्मी? मदर? अम्मा? हट, मैं तुझसे बड़ा हूं, मेरा मुंह मत खुलवा एड़े, भूल गया सौतेली माँ है? आज मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं 2 मिनट में माँ को उठवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। बाप का इंतजार करूंगा। एक बार बाप मुझे मिल जाए ना तो माओ की लाइन लगा दूंगा मैं। इतना गुरूर अच्छा नहीं भाई, एक दिन तुम पछताओगे। चले चल चल चल, मुंह बंद कर, बकबक मत कर। ये जो मुंह है ना, फूक मारने के लिए काम आएगा। फूक मार ले, हवा भर ले और निकल ले यहां से। बात करता है, मांडली करने आया था, कभी दोबारा मिलना नहीं अकेला। तुम आज खुश तो बहुत होंगे, जो आज तक तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं उतरा वो आज तेरे सामने थ्री पीस सूट में खड़ा है। बोल, खुश है कि नाराज है? अरे बोल, बोलता क्यों नहीं? बोलना बस करो। जब से दीवार फिल्म बनी ये डायलॉग सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। मुझे माफ करो, अब मैं कुछ मनोरंजन चाहता हूं। प्रभु, प्रभु, अरे तुम तो वही टिकट ब्लैक मार्केटियर बिंदास हो। क्या मुझे इश्क फिल्म का एक टिकट मिलेगा? क्या मुझे इश्क फिल्म का एक टिकट मिलेगा? प्रभु वो चक्र कहाँ है? घूम गया होगा। टिकट है ना, सब आपके लिए। एक टिकट प्लीज। और लीजिए ना, मीरा जी को, राधा जी को, सारी गोपियों को बुला के सत्संग साथ में बैठ के देखिए ना। इश्क 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 लीजिए प्रभु, प्रभु। खुश रहो। कृष्ण लो अलोवा, तेरी आंखों का जादू, दर्शन तेरे हो गए कृष्णा कृष्णा, दर्शन तेरे हो गए कृष्णा कृष्णा। काश इस वक्त माँ मेरे साथ होती, कितनी खुश होती। माँ, 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 माँ कैसी है तू? माँ, तूने 25 साल 30 साल यहाँ मगजमारी की, भगवान के दर्शन नहीं हुए। आज मैंने साक्षात कृष्ण भगवान को देख लिया, प्रत्यक्ष भगवान मेरे सामने आए। माँ आज मैं धन्य हो गया हूँ, काला धंधा ब्लैक मार्केटिंग सब छोड़ दूंगा। देश की सेवा करूंगा माँ, धरती माँ की सेवा करूंगा। बेटा हाँ, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है हाँ, तो उसे भूला नहीं कहते। माँ कितना सड़ा हुआ डायलॉग बोल रही है माँ, फिर भी तो माँ तुझे बोर करने का हक है। माँ वो लूला कहाँ है? अपना दास कहाँ है? माँ अपुन इधर है भाई। भाई अपुन ने आपकी बात मान ली क्या और पुलिस की नौकरी छोड़ के ब्लैक मार्केट का धंधा शुरू कर दिया है। 10 का 50 करने में बहुत मजा आ रहा है। अपुन जा रहा है, शो का टाइम हो रहा है। बाय, सी यू। हे भगवान, मेरी जिंदगी में से ये दीवार की कहानी कब खत्म होगी? खत्म हो जाएगी माँ, ये दीवार यहीं पर खत्म हो जाएगी। मैं 2 बार कपड़े का इंतजाम करता हूँ, इस दीवार को यहीं पे गिरा देता हूँ। माँ जा, मैं भी निकल रहा हूँ। कृष्णा कृष्णा
कृष्णा।